हे एवरीवन, कैसे हो सर? वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बोलना चाहता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है प्रॉफिट हाइस नाम से, तो इसमें एक नई स्टोरी मिलेगी कि कैसे कुछ स्टर्लिंग ट्रेडर्स पैसा कमाते हैं। इसमें कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको कि दुनिया कैसे पैसा कमा रही है, लोग कैसे इतना पैसा बना रहे हैं। तो इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें, एक इसमें मैंने मैसेज भी देने की कोशिश करी है और इसमें कुछ सिखाने की भी कोशिश है, थोड़ा बहुत सस्पेंस वगैरह। तो जाके उस वीडियो को ज़रूर देखना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जितने ज़्यादा व्यूज़ आए उतना बढ़िया है, क्योंकि हम पार्ट बाय पार्ट, एपिसोड बाय एपिसोड इसको लेके आएंगे, ठीक है? तो जाके जल्दी से उसको देखो, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। और बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, OTC में ट्रेड कैसे लें। तो OTC मार्केट में मैं तो ट्रेड ले लेता हूँ गाइस, ठीक है? तो देखो अभी क्या है, थोड़ा सा वेट करेंगे एंट्री का, एंट्री मिलनी चाहिए। अगर ये ग्रीन कैंडल, जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है, उसकी विक को टच कर जाएगी अभी, तो मैं डाउन के ले लूँगा मार्जिन पे, ठीक है? अब काफ़ी लोग कहते हैं कि आपको एग्जैक्ट पॉइंट कैसे पता रहते हैं कि ये कैंडल इस कैंडल की जो है यहाँ पकड़ लेगी। देखो यहाँ पे अगर ये कैंडल आ गई ग्रीन वाली, तो मैं डाउन की लूँगा। ऐसा क्यों? इसके पीछे देखो कोई थंब ऑफ रूल, रूल ऑफ थंब कुछ भी नहीं है, ये जस्ट मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैं किस कैंडल को कैसे देखता हूँ, और मोस्टली वो काम कर भी जाता है, तो वो चीज़ें प्योर एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। पर फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा चीज़ें। देखो क्या होता है ना, अगर ये ग्रीन कैंडल है और मैं किसी ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल की विक नाप रहा हूँ, तो वहाँ पे ना एक थोड़ा सा डेंसिटी भरा जोन होता है, ठीक है? अब जो इनकी विक्स हैं, इसका मतलब है कि उस विक तक ये कैंडल गई पर वहाँ से धकेल दी गई, तो वहाँ पे एक डेंसिटी रहती है बायर्स की, सेलर्स की, जिस टाइप की कैंडल है वैसी, तो उस हिसाब से एक पुश मिलता है। ये एक बेसिक रीज़न है उसके पीछे, ठीक है गाइज? तो अभी तो हम कोई ट्रेड नहीं ले रहे, जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे ट्रेड लेंगे, ठीक है? तो अगर ये कैंडल भी ऊपर जाती है ग्रीन कैंडल के आसपास, तो मैं डाउन के लूँगा, और अगर ये नीचे आती है मेरे EMA के आसपास, तो मैं अप के ले लूँगा, ठीक है? बस इतना सा मेरा मानना है। मेरे अंदर चीज़ ये है कि मैंने एक चीज़ ज़रूर सीख ली इतने समय में, कि मैं मन की सुन लेता हूँ। मैं पागलों की तरह ट्रेड नहीं लेता कि मतलब हर कैंडल पर ट्रेड मिल जाए तो हर कैंडल पर ले लूँ। अब जैसे कि ये मेरे EMA के पास आई, तो मैंने अप की मार्जिन पर ले ली, तो मेरे अंदर उतना कंट्रोल बैठ चुका है। तो देखो कैसे ऊपर जा रहा है, क्योंकि ट्रेड कर करके कॉन्फिडेंस आया है और खुद को ऑब्जर्व किया है, तो मेरे को जहाँ सही लगता है मैं ट्रेड वहीं लेता हूँ, और मोस्टली मैं कैपिटल डबल अपना वहीं पे कर लेता हूँ जब मुझे मार्जिन मिलता है। मार्जिन पे तो मैं बहुत सारी ट्रेड्स लेता हूँ यार, ये तो मतलब जब मैंने ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट करी ही थी, तब से ही मैंने जो है मार्जिन पे लेना स्टार्ट किया था। तो इसको तो हम डेफिनेटली ही विन करेंगे, जबकि OTC मार्केट है वो भी सेकेंड या थर्ड नंबर के एसेट है जो कि वॉलेटाइल होते हैं, फिर भी हम अपनी पहली ट्रेड इजिली जीत गए, वो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। सोचो OTC में भी मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स मार लेता हूँ, तो रियल मार्केट में तो काम करेंगे। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि लेवल सीख जाओ गाइस, ठीक है? और आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है? अब ये कैंडल जो है नीचे तक आ गई, मतलब जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन से पहले वाली ग्रीन कैंडल वहाँ के नीचे टच कर जाए उसकी क्लोजिंग में, तो मैं अब की ले लूँगा। पर वो टच तो करे, थोड़ा आई तो थी नीचे, अगर थोड़ा सा और आती तो मेरी अब की कैंडल भी बन जाती। अब भले ही ये ग्रीन बने, रेड बने, मुझे उस चीज़ का दुख नहीं लेना है, ठीक है? ट्रेड मिस हो जाए चलेगा, लॉस हो जाए नहीं चलेगा, सिंपल सा हमारा रूल है, ठीक है? ऐसे होता है। बाकी अगर आपको मेरे फ्री ग्रुप में आके मेरे फ्री सिग्नल चाहिए, प्रॉफिटेबल सिग्नल चाहिए, हफ्ते में 2-3 बार तो हम कैपिटल ही डबल कर लेते हैं, इतने अच्छे सिग्नल जाते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक से अकाउंट बना के डिपॉजिट करके मैसेज करेंगे आप मुझे। और पेड में आके पर्सनली सीखना है आपको लाइव मार्केट में ये मार्जिन पर लेना, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बनाना, तो मुझे पर्सनली मैसेज करना, डिस्कस वहाँ करेंगे, ठीक है? तो देखो ये जो है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब देखो अगर ये ग्रीन कैंडल ऊपर जाती है, रेजिस्टेंस को टच करती है, तो मैं डाउन के ले लूँगा। ले ली मैंने, ठीक है? ये मेरा कुछ प्लान था डाउन का लेने का, ठीक है? तो यहाँ पे हमने डाउन की ले ली, तो लेट्स वेट एंड वॉच यहाँ पे क्या होता है। कभी भी इस चीज़ को दिल पे नहीं लेना है कि मैं ट्रेड हार रहा हूँ। मैं कैसे हार रहा हूँ यार, इवन यार वॉरेन बफे भी कुछ ट्रेड हारते हैं, है ना? 80% ऑफ द रिटर्न्स यू विल सी फ्रॉम 20% ऑफ योर स्टेक्स, मतलब 80% ऑफ द रिटर्न्स जो है 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट से आता है, तो 80% तो हर कोई जो है पैसा ब्रेक इवन या लॉस करता है। बस ये है कि जहाँ जीत रहे हो वहाँ ज़्यादा जीतो, ये एक सोचने की बात है, ठीक है? तो काफ़ी लोग कहते हैं यार OTC में ट्रेड ना करो, तो यार देखो हफ्ते में 4 दिन तो जो है मेजर न्यूज़ ही रहती है, 2 दिन OTC रहता है, तो एक ही दिन बचा, तो एक दिन ट्रेड थोड़ी करोगे यार आप। इसलिए आपको हर दिन ट्रेड करना आना चाहिए, भले प्रॉफिट लॉस जो भी चल रहा हो आपको मैनेज करना आना ही चाहिए, ठीक है? वरना प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। तो इस ट्रेड को हम जीत जाएंगे, ये गैप अप की वजह से इस ट्रेड को हम हार गए गाइस, गैप अप की वजह से, वरना ये तो मैं विन कर रहा था। तो रेजिस्टेंस की वजह से मैंने फिर से लगा दी है, ठीक है? कोशिश तो कर रहा है जाने की,
पर ये विक लेवल की कैंडल्स हैं, इतनी आसानी से तोड़ नहीं पाएगा। इनमें विक्स बहुत सारी हैं, तो ऐसे झटके से तोड़ना इतना इजी तो नहीं है। चांसेस बैक आने के हैं कि पुल बैक आ जाए, तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, पुल बैक आ जाए तो बढ़िया है, मज़ा आएगा। तो आपको ऐसा नहीं है कि एक ही दिन ट्रेड करना है, ट्रेड के लिए तो एक ही दिन बचा अगर आप सारी न्यूज़ निकाल दो, ओटीसी निकाल दो, ठीक है, वो भी कुछ घंटे ही बचे, क्योंकि थोड़े टाइम तक तो ओटीसी रहता है सुबह भी। तो आपको हर मार्केट में ट्रेड लेना आना चाहिए, प्रॉफिट बनाना है तो, वरना बैठे रहो, है ना। बाइनरी की खासियत ये है कि 24 घंटे चलता है, सातों दिन चलता है, इसलिए ट्रेड लेते हैं सब। ठीक है, और ये देखो 200 200 डॉलर की ट्रेड, देखो मेरे को वो दिन भी याद है जब मैं 1 1 डॉलर की ट्रेड लेता था, और 2 डॉलर की ट्रेड लेना मुझे बहुत बड़ी महाभारत लगती थी कि 2 डॉलर की ट्रेड कैसे ले ली मैंने। गाइस देखो इस ट्रेड को हम कैसे जीत गए बढ़िया करके। तो यार 2 डॉलर की ट्रेड लेना मुझे लगता था कि यार 2 डॉलर के ले रहा हूँ, हार गया तो अगले 4 की लगेगी। आज 200 डॉलर, 2 2 हज़ार डॉलर की ट्रेड मैंने ले रखी है, एक एक सिंगल सिंगल ट्रेड। और एक मुझे वो दिन भी याद है जब मैं स्कूल जाता था, तो मेरा स्कूल यहाँ से 5 6 किलोमीटर दूर है, तो मेरी मम्मी मुझे 10 रुपये देती थी, क्योंकि 10 रुपये ही होते थे किराए के लिए। तो 5 रुपये किराया था जाने का, 5 आने का स्टूडेंट के लिए, और नॉर्मल लोगों के लिए 7 रुपये होता था। तो मैक्सिमम ऑटो वाले क्या करते थे भाई, वो हमसे 5 रुपये लेते थे, तो हम आना जाना करते थे, पर कुछ कुछ ऑटो वाले 7 लेते थे। तो जिस दिन मुझसे कोई 7 रुपये किराया लेता था, उस दिन मैं पैदल आता था, क्योंकि नहीं होते थे पैसे। फिर वो जो 3 रुपये हैं उनको मैं फिर खाता नहीं था कुछ उनसे, वो भी मैं संभाल देता था ताकि अगली बार मेरे साथ 7 रुपये वाला सीन हो तो दे पाऊँ पैसे ना। तो ऐसा भी था भाई, तो इस टाइप का टाइम भी देखा है। अब देखो ये मेरे ईएमए के पास है, मेरा ईएमए एक बेस्ट सपोर्ट का काम करता है, तो यहाँ से अप डायरेक्शन की ट्रेड जाएगी। तो देखो अप डायरेक्शन की जा रही है ट्रेड, यहाँ से ये चली जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीतेंगे बढ़िया, हारेंगे देख लेंगे क्या करना है, बस मोस्टली जीत जाते हैं। तो मैं कह रहा था कि यार मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि मैं पुरानी चीज़ों को लेके वाइब करूं, पर लेकिन जब मैं वाइब करता हूं तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे से फील करता हूं। तो मैं भी बोल रहा था ना, तो मैं ये चीज़ें, तो अचानक से मेरे गूज बम्प हो गए ये चीज़ सुन के, क्योंकि यार 7 8 6 7 साल पुरानी बात है, अचानक से याद आ गई भयंकर कि 2 3 रुपए के लिए भी पंगे कर रहे हैं सब। तो यार क्या बोलें, चीज़ें ऐसे ऐसे होती थी। तो लेट्स वेट एंड वॉच क्या सीन है, इसमें जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं। बाकी ट्रेडिंग जर्नी में जस्ट लाने वाला हूँ, अब 18 हज़ार सब्सक्राइबर हो ही गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ जब जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ ही रहे हैं, 20 हज़ार हो जाएंगे, ट्रेडिंग जर्नी लॉन्च कर दूंगा। वीडियो रेडी है, लॉन्च तब करूंगा जब 20 हज़ार होंगे, तो मज़ा आएगा। क्योंकि यार हम सबकी स्टोरी लगभग एक ही होगी, क्योंकि तुम और मैं एक ही हैं जितना मैंने देखा है, तो मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। तो इसको भी हम जीत गए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट ट्रेड देखेंगे, अगर ये थोड़ा सा नीचे आएगी ग्रीन कैंडल के हाफ तक, तो अब की ले लूंगा। चलो यहाँ पे मैंने अब की ले ली, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखो मैंने अब की इसलिए लिया ना, उसके पीछे रीजन क्या है, यहाँ पे मेरी एक पेड ग्रुप जो है मेरा, उसमें मैं एक स्ट्रेटेजी देता हूँ अपने पेड ग्रुप मेंबर्स को, ठीक है। उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अब की ट्रेड बननी चाहिए। तो जब मैं देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ पेड ग्रुप में कि अगर मैं आपको स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ, तो आपको फिर लेवल्स नहीं देखने कि ऊपर रजिस्टेंस आ रहा है, पर स्ट्रेटेजी आपके लिए कह रही है पर वहाँ तो रजिस्टेंस है। अब जैसे मेरी स्ट्रेटेजी ने आपके लिए बोला पर ऊपर रेजिस्टेंस है, तो स्ट्रेटेजी फॉलो करनी, तो लेवल नहीं देखने पे, तो स्ट्रेटेजी पे ही टिकना है, आपकी ही लेनी है, भले कितना तगड़ा रेजिस्टेंस हो, डाउन का मिल रहा है तो डाउन की लेनी, चाहे कितना तगड़ा सपोर्ट हो। तो इसलिए मैं स्ट्रेटेजी देता हूँ, और लेट्स सी क्या होता है। देखो मोस्टली 90 95% 98% हम विन करते हैं स्ट्रेटेजी में, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। मैंने आपकी ले तो ली है, 3 2 1, और ये लो जी इसको विन कर गए हम। तो देखो ऐसा कुछ है, ठीक है। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फ्री ग्रुप।